They have given one graph like this. यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है एंड यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे टू है एंड यहाँ पे भी टू है, यहाँ पे भी फोर है एंड देन यहाँ पे माइनस टू है एंड ये माइनस टू है, माइनस फोर. दिस इज व्हाट दे हैव गिवन इन द क्वेश्चन एंड दे हैव आस्क्ड ओ ए बी सी इज अ स्क्वायर, इज अ स्क्वायर, लेवल हैज इंक्रीज्ड, इज अ स्क्वायर whose equations of sides are x is equal to 4, y is equal to 4, comma x is equal to minus 4, y is equal to minus 4. Many options are there. x is equal to 4, y is equal to 4, बड़ा कॉमा, x is equal to 0, y is equal to 0. Be careful, I want to see who are. Biggest thing is you should understand the question. x is minus 4, y is 4, x is 0, y is 0, x is minus 4, y is 0, x is 4, y is 4. Which option seems to be correct? Now here the task is you should first understand the question. You should first understand the question. See, I will wait or I will do, I don't know. Should I wait or should I do? Should I wait or should I do? Bachche answer dal rahe. Sir, wait kya? Hum answer dal rahe idhar. Okay. See, I will explain. Many are posting the answers already. Okay. See, which option is correct? I'll just help you. See, कौन सा किधर मिलन करता है उतना ही देखना है. I repeat. हर x और y का पॉइंट उधर मिलन करता है कि नहीं उतना ही चेक करना है. See, भूल करके भी किधर भी नेगेटिव नहीं है, सब पॉजिटिव है. मतलब जितने भी नेगेटिव है सबको उड़ा, जितने भी नेगेटिव है सबको उड़ा, उड़ा उड़ा उड़ा, सब यही बचा. करेक्ट है, क्योंकि स्क्वायर नेगेटिव है ही नहीं, स्क्वायर पूरा पॉजिटिव है. ब्रदर एंड मेरी सिस्टर, इधर सब स्क्वायर पॉजिटिव है, तो नेगेटिव का सवाल आता ही नहीं. नेगेटिव को उड़ा है, तीनों ऑप्शन उड़े. सर मान लो कि सारे नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं तो चेक करना, x4 है, x4 है, y4 है y4, इधर इधर भी y4 है, इधर भी y4 है, x0 है, सर है 0x, y0 है, y भी 0, सेटिस्फाई हो रहे, ओके सेटिस्फाई हो रहे हैं. डन, क्लियर टू यू ऑल?